नमस्कार, मेरा नाम प्रेम कुमार है। आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, पार्ट वन बेसिक कैलकुलेशन का। यदि किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें यूनिट प्लेस पे 5 रहता है, तो कैसे एक लाइन पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना इजी मेथड से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। आज हम लोग देखेंगे कि अगर 5 नहीं रहता यूनिट प्लेस पर, अगर कोई भी नंबर इस तरह का रहता है, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं, इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4। फिर इस 3 को 4 के साथ करेंगे, 3 चौके 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 का लिखेंगे 6 और हाथ में यहाँ पे रहने दिए 1। अब फिर इस 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो हमारा ये फार्मूला क्या था मल्टीप्लाई करने का, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इस तरह से मल्टीप्लाई किया नीचे से ऊपर को। अब फिर क्या किया, फर्स्ट स्टेज में ये था, सेकेंड स्टेज में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से और दोनों को क्या कर दिए, फिर प्लस कर दिए। थर्ड स्टेज में क्या करना था, फिर से इस तरह से नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना था और लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, 3। फिर अब 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 को 1 के साथ गुना किए तो आ गया 6। अब फिर 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 12, 12 और 6 18 का 8, हाथ में कितना रह गया, 1। अब फिर 6 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। देखिए कितने आसान तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। और देखते हैं क्वेश्चन सीखने के लिए, 3 को 4 के साथ गुणा किए तो 3 चौके 12, 12 का 2, हाथ में कितना रह गया, 1। अब फिर 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 कितना हो जाता है, 23। 23 का हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 और 4 दूनी 8, 15 5 20 और 3 23 का 3 हो जाता है, हाथ में कितना रह जाएगा, 2। तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, सॉरी हमने यहाँ पे देखा नहीं था, फिर से इसको देखते हैं। 4 तिया 12 का 2, हाथ में रह गया 1 और 5 तिया 15, 15 4 दूनी 8, 15 और 8 कितना हो जाता है, 23। 23 और हाथ में 1 था तो ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 का 4, हाथ में रह गया 2। अब फिर 2 को 5 के साथ करते हैं तो 2 पचे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। मीन्स 1 2 4। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जिसपे 3, मतलब इस तरह से ऊपर में 3 नंबर है और नीचे 2 नंबर है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ ऊपर में आपको जो 3 नंबर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग 1 नंबर मान लेंगे, ठीक है। इस 2 को 2 के साथ गुना किए तो आ गया 4। अब 23 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 23 दूनी कितना आ जाएगा, 46। 23 दूनी 46 और 2 दूनी 4, 46 और 4 कितना हो जाएगा, 50 का 0, हाथ में कितना रह गया, 5। यहाँ लिख दिए। अब 23 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा, 51। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 को 3 के साथ गुना किए तो कितना आ गया, 3। फिर अब 1 को 2 के साथ गुना करेंगे, अभी सोचेंगे कि इधर हमारा ये 2 नंबर नहीं दिया हुआ है, 1 को 2 के साथ गुना किए तो आ गया 2, 2 को 3 के साथ गुना किए तो 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 लिख दिए। अब क्या करेंगे, फिर 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18 और 2 दूनी 4, 18 और 4 कितना हो जाता है, 22, 22 का लिखेंगे यहाँ पे 2, हाथ में कितना रह जाएगा, 2 रह गया। अब इसको हम लोग ढक देंगे। अब क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 के साथ करेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 2 कितना हो गया, 22, 22 का लिखेंगे यहाँ पे 2, हाथ में कितना रह जाएगा, 2 रह गया। अब 4 6 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26। देखिए इतना लंबा नंबर हमने एक ही लाइन पर मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी
गलत नहीं होगा अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो। अगर इसको अगर हम लोग देखते कि मल्टीप्लाई करते, जैसे बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया था कि पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सबको ऐड कीजिए, तो ये नंबर आता था। लेकिन हमने अभी नया तरीके से बनाया जिसे एक ही लाइन में आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं अच्छी तरीके से सीखने के लिए। अब देखिए, 2 को 4 के साथ गुणा करते हैं तो आ जाता है 8, फिर 2 दूनी 4 और 3 चौके 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 का 6, हाथ में रह गया 1, लिख दें यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 8 और 6 14, और 3 दूनी 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 1 21 का 1, हाथ में कितना रह गया, 2। अब इसको ढक देंगे, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 के साथ, ये 3 को 3 के साथ, तो 3 3 9, 2 2 4 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 और हाथ में कितना था, 2, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 का 5, हाथ में अब कितना रह गया हमारे पास, 1। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और ये कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए ये कितने आसान तरीके से ये हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आप भी इसे कर सकते हैं, आप अलग अलग नंबर लेकर के आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनाया है क्योंकि यदि मैं बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको सिखाने के लिए बस कुछ क्वेश्चन ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस तरह से अगर 11 का स्क्वायर रहे या फिर 111 रहे या फिर 1111 इस तरह से रहे तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो 11 का स्क्वायर है मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है, 11 × 11, तो फिर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 11 है, तो 1 और 1 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और फिर लिख देंगे यहाँ पर 1। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 111 3 ठो 1 है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 2 1 इस तरह से, सॉरी इस तरह से देखिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1111 2 1 है 4 ठो, तो हम लोग 4 ठो 1 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 फिर 2 3 4, और फिर रिटर्न चले जाएंगे 4 से 3 2 1। देखिए इतना लंबा मल्टीप्लाई हमने कैसे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 केटो क्वेश्चन है, ये नंबर 1 ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो फिर हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 फिर लिखेंगे 2 3 4 5, फिर रिटर्न चले जाएंगे 5 से पहले 4 3 2 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 11 से, तो यहाँ पे 2 है तो लिख देंगे यहाँ पे 2, अब फिर 2 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करना रहा तो कैसे करेंगे, यहाँ 5 है तो लिखेंगे 5, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 4 है तो लिख देंगे यहाँ पे 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना रहा तो यहाँ है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे रह गया 6। अब 3 नंबर है 2 3 4, कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 है तो लिखेंगे यहाँ पे 4, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ 4 को हम लोग ढक देंगे, 4 को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ढक देंगे, और 3 और 2 को प्लस करेंगे, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, अब यहाँ लास्ट में 2 बच गया तो 2 लिख दी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह का, 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, अब 1 को छोड़ देंगे, अब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और लास्ट में कितना बच गया 4, तो यहाँ पर लिख दिए 4, 4961, इस तरीके से यह बना हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 111 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर को, यहाँ 2 है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2, अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अब तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 6 11 का 1, हाथ में कितना रह गया हमारे पास 1 रह गया, अब 2 को ढक देंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1 हो गया, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे 1,
फिर एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन। अब तीनों को जोड़ेंगे, चार दो छः और एक कितना हो जाएगा, सात। अब पीछे से एक को हम लोग हटा देंगे, चार और दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, छः। लास्ट में कितना बच गया, चार, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग चार। तो देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6 2 0 है, तो यहाँ पे जीरो है तो लिखेंगे जीरो, जीरो और दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दो। अब फिर तीनों को जोड़ देंगे, छः और दो कितना हो जाएगा, आठ। फिर अब यहाँ पे छः और दो कितना हो गया, आठ। अब फिर इसको ढक देंगे, दो और छः को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आठ, और लास्ट में छः है तो यहाँ पे लिख देंगे छः। देखिए कितने आसान तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया है। इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं बहुत, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 222 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 1 1 का स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 2 3, मतलब 1 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 2 3 2 1। और फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 2 8, 4 3 12 का 2, हाथ में 1 हो गया, 4 2 8 और 1 हो गया 9, 4 1 4, तो 4 9 2 8 4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 3 का यहाँ स्क्वायर दिया है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग 3 × 1 1 1 का स्क्वायर। फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ दे देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, फिर 1 1 1 है तो लिखेंगे 1 2 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9, 9 2 18 का 8, हाथ में 1 हो गया, 9 3 27 और 1 28 का 8, हाथ में हो गया 2। फिर 9 2 18 19 20 का 0, हाथ में हो गया 2, 9 1 9 10 11, तो कितना हमारे पास आ गया, 1 1 0 8 8 9 आया, 1 1 0 8 8 9। तो इस तरह से हमने देखा है कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस देख सकते हैं कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए सीखा है। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है, वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी मतलब मैथ को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय आपको ये सारे चीज़ें यूजफुल होंगे, आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं मल्टीप्लाई करने, तो कम समय में आप जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके अलावा आप पढ़ा रहे या पढ़ रहे हैं वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में जो टीचर हमें बताते हैं वो इस तरह का मेथड से नहीं बताते, वो एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और फिर बताते हैं, तो हमने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया, हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से हमने आज मल्टीप्लाई करने के लिए सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट में हमें लिख करके बताइएगा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।